वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वक्फ बोर्ड में ये जो संशोधन करने का बिल आया है, इसको लेकर विपक्ष भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बिल मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों का हक छीनने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है, जबकि ये वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। लोकसभा के चुनाव में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इस तमाम तरीके की भ्रमित बातें करनी शुरू की, तो वहीं वक्फ बोर्ड में ये जो अमेंडेशन, ये जो उसको अमेंड करने का जो ये बिल आया है, उसको लेकर पुनः इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि ये मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के हक छीनने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। जबकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसका सुझाव जब विपक्ष सत्ता में था उन्हीं के द्वारा दिया गया था, पर उस वक्त क्योंकि ये लोग इसको लागू नहीं कर पाए थे और ये मामला लंबे समय से पेंडिंग था, और कई ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं जो इसकी समय समय पर पैरवी करते रहे हैं, उन्हीं के हक अधिकारों को और मजबूत करने के लिए, ताकि समाज के गरीब मुसलमानों को भी उनका हक अधिकार मिले, इस सोच के साथ ये अमेंडमेंट लाया जा रहा था। पर क्योंकि पुनः इसको भ्रमित करने का प्रयास किया गया था और कहीं किसी के दिमाग में किसी तरीके की कोई शंका ना रहे, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी सरकार के समक्ष हम लोगों ने ये सुझाव रखा था कि इसको किसी भी कमेटी के समक्ष भेज दिया जाए, अब भले वो स्टैंडिंग कमेटी हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, उसके समक्ष भेज दिया जाए ताकि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो खुलकर वहां पर चर्चा कर सकें और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमान विरोधी है, उस आशंका को दूर किया जा सके। मैं आज धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी का और हमारी केंद्र की सरकार का कि इसको जहाँ सरकार ने सदन के पटल पर मजबूती से बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी बातों को, सरकार की बातों को प्रमुखता से रखा, तो वहीं विपक्ष के मन में इसको लेकर कोई शंका ना रहे, जेपीसी को भी इसको रिकमेंड करने की बात की गई है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है जल्द ही स्पीकर जेपीसी का गठन करेंगे और वहां पर खुलकर इसको लेकर चर्चा होगी, बट इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो और इस संस्था में पूरी तरीके से पारदर्शिता हो, इस सोच के साथ सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। पर अब क्योंकि ये जेपीसी में जा चुका है, वहां पे तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद इसको आगे देखा जाएगा।